हिमाचल के दो जिलों सोलन और ऊना में पंचकुला के उद्योगपति नंद किशोर ने जमीन खरीदी। ये जमीन सोलन और ऊना के विभिन्न क्षेत्रों में खरीदी गई, जिसको लेकर सतर्कता विभाग को शिकायत मिली थी कि ये जमीन पहले 118 के तहत अनुमति लेकर ली गई और बाद में फर्जी तरीके से अपने नाम करवा ली गई, जिस पर सतर्कता विभाग द्वारा जाँच की गई कि और ये पाया गया कि उद्योगपति ने वास्तव में कानून को ठेंगा दिखाते हुए झूठा कृषक प्रमाण पत्र बनवाया और उसके आधार पर हिमाचल में ये जमीन खरीद ली। हिमाचल के दो जिलों सोलन और ऊना में पंचकुला के उद्योगपति नंद किशोर ने जमीन खरीदी। ये जमीन सोलन और ऊना के विभिन्न क्षेत्रों में खरीदी गई, जिसको लेकर सतर्कता विभाग को शिकायत मिली थी कि ये जमीन पहले 118 के तहत अनुमति लेकर ली गई और बाद में फर्जी तरीके से अपने नाम करवा ली गई, जिस पर सतर्कता विभाग द्वारा जाँच की गई और ये पाया गया कि उद्योगपति ने वास्तव में कानून को ठेंगा दिखाते हुए झूठा कृषक प्रमाण पत्र बनवाया और उसके आधार पर हिमाचल में जमीन खरीद ली। सतर्कता विभाग के माने तो इतनी बड़ी हेराफेरी राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर नहीं हो सकती है। इसको लेकर अब सतर्कता विभाग हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अपनी जांच कर रहा है, जिसमें कुछ राजस्व अधिकारियों पर जल्द इस घोटाले की गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि आरोपी नंद किशोर पंचकुला निवासी और स्टील उद्योग से जुड़ा है। अधिक जानकारी देते हुए सतर्कता विभाग के डीएसपी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि पंचकुला के उद्योगपति नंद किशोर ने पहले 118 की अनुमति लेकर ये जमीनें हासिल की और बाद में उसे अपने नाम चढ़ाने के लिए गलत रास्ता अपनाया। उन्होंने बताया कि ऊना के आम सोलन के बद्दी नालागढ़ बरोटीवाला और धारोंदी धार पर करीबन 40 बीघा जमीन गैर कानूनी ढंग से खरीदी गई है। उन्होंने बताया कि पहले उद्योगपति ने कृषक न होते हुए भी सरकारी अधिकारियों की मदद से फर्जी कृषक प्रमाण पत्र बनवाया और उसके माध्यम से हिमाचल में जमीन खरीदकर उसका दुरुपयोग भी किया। उन्होंने बताया कि पहले उद्योगपति ने अपनी पत्नी के नाम पर कृषक पत्र बनवाया और फिर अपने नाम पर बनवाकर जमीन खरीदी। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा 11 मार्च को उद्योगपति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और इस धोखाधड़ी में कौन कौन से अधिकारी और कर्मचारी शामिल है, ये जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि वे जल्द ही इस मामले की तह तक पहुंचेंगे और जो भी इस मामले का दोषी होगा उसे सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही रहेंगे। देखिए, विजिलेंस थाना सोलन में एक शिकायत पत्र जो कि नंद किशोर पंचकुला के निवासी हैं उनके खिलाफ जांच हेतु आया था, जिसमें जांच पे पाया गया है कि उन्होंने 118 के तहत परमिशन ली थी जो कि गुप्ता स्टील के नाम से थी, जिसपे बाद में उन्होंने जो है अल्ट्रेशन की और एक फेक एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट बनाया अपना, और वो जो 118 की जो तहत जो परमिशन थी उसमें जो है उन्होंने अपने नाम जमीन कर दी है, जिसपे यहाँ विजिलेंस थाना में सेक्शन 419, 420, 468, 471 और धारा 120 भी आईपीसी के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज है। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इसमें जो भी राजस्व अधिकारी इन्वॉल्व रहे हैं उनके खिलाफ भी विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये किस क्षेत्र का मामला है और कितनी जमीन का? ये ऊना बरोटीवाला नालागढ़ बद्दी और सोलन में अलग अलग जगह जो है इन्होंने जमीनें खरीदी हैं। अप्रोक्सीमेटली जो अभी तक हमारे पास फिगर आया है वो लगभग 40 बीघे के करीब जमीनें हैं इस तरह की, और बाकी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जैसी भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है हम कार्रवाई जो है अमल में लाएंगे। इस मामले में कितने अधिकारियों की संलिप्तता मानी जा रही है? देखिए, ये इनिशियल स्टेज पे है, अभी कंफर्म होके मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ऊना और नालागढ़ बद्दी के ऑफिसर्स के हम जो है इसमें जांच करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जमीनें इसी एरिया में खरीदी गई है। कार्यक्रम में एक बार फिर चलाए छोटे चुड़े का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।